हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो हम लोग आज फिर से निकले हैं बाहर रमज़ान की शॉपिंग पर, और आज संडे है और शाम के 4:30 बज रहे हैं। और हमने आज डिसाइड किया है कि आज जाके ग्रोसरी ले लेंगे रमज़ान का। और यहाँ पे वाटर फ्रंट फिश मार्केट है दुबई में, जहाँ पे सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पाउल्ट्री मीट सब मिलता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं लेने के लिए। उससे पहले हमको शारजा में थोड़ा सा काम था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शारजा में आए हैं। तो यहाँ का काम ख़त्म करके हम लोग वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पार्किंग में आ गए थे और मैंने मिन्हा को थोड़ी देर के लिए आगे ले लिया था। और रोड पर तो बच्चों को फ्रंट सीट में अलाउ ही नहीं है, फ़ाइन लगता है। तो हम अभी आए हैं यहाँ शारजा का गिफ्ट मार्केट करके एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पे सारे आइटम्स अंडर 1 to 20 दिरहम्स के होते हैं। बहुत सस्ता मार्केट है ये, और यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, क्लोथिंग से लेके एक्सेसरीज, डेकोरेटिव आइटम्स, किचन अप्लायंसेस, ऑटो एक्सेसरीज, गिफ्ट आइटम्स, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर और बहुत कुछ। मैं यहाँ पे ख़ास करके होम डेकोरेशन की चीज़ें और किचन की शॉपिंग के लिए आती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है और बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं आपको। तो एंटर होते साथ ही मुझे किचन अप्लायंसेस का सेक्शन दिख गया था, तो मैं यहाँ पे सॉस पैन देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे किचन आइटम्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मन करता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सब कुछ खरीद के रखने का मन करता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, हर बार जाओ तो कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन आया ही रहता है मार्केट में। कुछ चीज़ें तो लेनी भी नहीं होती है, फिर भी जाके एक्सप्लोर करने का मन करता है। ख़रीदने से ना सही, बट देखने पे भी मन भर जाता है कई बार। आई थिंक ये सब लेडीज़ अग्री करेंगे मेरे साथ। और यहाँ पे हस्बैंड बेबी पॉटी सीट देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि एक दो महीने में मिन्हा को पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे करके। और ये सीट में भी देखे कितने सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, कलर और डिज़ाइन भी बहुत सारे अलग थे। देन मुझे यहाँ पे मैट्स का सेक्शन भी दिख गया था, मुझे एक्चुअली बाथरूम के लिए मैट चाहिए था, तो मैं यहाँ पर वही देख रही थी। बट मुझे मैट की क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं लगी, तो मैंने नहीं लिया। मैं ऑलरेडी घर से लिस्ट बना के आई थी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, तो मैं उसी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके ले रही थी। और यहाँ पे देखिए कितना रश था, सब लोगों के हाथ में शॉपिंग ट्रॉलीज थी और यहाँ पे जगह ही नहीं थी आगे पीछे मूव होने के लिए। सारे लोग शायद रमज़ान की शॉपिंग में ही बिज़ी हो रहे थे, क्योंकि यही वीकेंड था रमज़ान शुरू होने से पहले। यहाँ पर मिन्हा भी इरीटेट हो गई थी और हमें सताने लग गई थी, तो यहाँ पर कुछ टॉयज़ उठा के हमने ट्रॉली में डाल दिया था, ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाए थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली इसका नैपिंग टाइम था और यहाँ पे हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो ये सताने लग गई थी। और यहाँ पे देखिए टॉयज़ में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं। मैं एक्चुअली में बहुत दिन से सोच रही थी कि मिन्हा के लिए अल्फ़ाबेट्स का फ्रिज मैग्नेट्स खरीद के रखूँ, ताकि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाए कुकिंग के टाइम में, मुझे बहुत सताती है किचन में। और यहाँ पे देखिए कार एक्सेसरीज़ का भी सेक्शन था, सारे ऑटो पार्ट्स मिल रहे थे। और पता नहीं हस्बैंड क्या ढूँढ रहे थे, लिया तो कुछ नहीं इन्होंने, बट पता नहीं क्या देख रहे हैं। और इधर 3D प्रिंटेड वॉलपेपर्स भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हम लोग वही देख रहे थे कि कुछ किचन में लगाने का लेंगे, बट कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आया, तो हमने यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे देखिए कितने सारे वाटर जग्स और केटल्स का भी कलेक्शन था, हर डिफरेंट कलर ऑप्शन और डिज़ाइंस भी अवेलेबल थे।
फिर हम लोग आ गए थे इधर स्टोरेज कंटेनर्स के सेक्शन में, और यहाँ पे मैं फिर से किचन के लिए कुछ देख रही थी, और यहाँ पे भी देखिए कितने सारे ऑप्शंस है, प्लास्टिक हो या ग्लासवेयर हो, कितने सारे ऑप्शंस, साइज, हर साइज़ और डिज़ाइंस अवेलेबल थे। कितने भी कंटेनर्स ले लो बस ही नहीं आते हैं, किसी ना किसी चीज़ रखने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। कभी लेफ्ट ओवर फूड हो गया, कभी कुछ वेजीज, फ्रूट्स या कुछ मसाले, यहाँ पे देखिए। तो हो गई है यहाँ पे मेरी शॉपिंग कंप्लीट, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेंस क्लोथिंग, वुमेंस क्लोथिंग, बेबी के क्लोथ्स एंड हैंडबैग्स, एक्सेसरीज, शूज़, और भी बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। हम लोग तो फर्स्ट फ्लोर गए ही नहीं, यहाँ सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही घूम के आ गए हैं, और ग्रोसरी भी लेने जाना था, हमें लेट हो रहा था, तो इसलिए बस यहाँ का कंप्लीट करके अभी निकल रहे हैं। तो अभी आ गए हैं इधर दुबई के वाटर फ्रंट मार्केट में। इधर फिश, मीट और दूसरा बहुत घर का राशन भी मिल जाता है एक ही जगह पे। इधर ऊपर के सेक्शन में लुलू भी है, अगर नीचे से कुछ पसंद ना आए तो, कुछ खास ना लगे तो ऊपर लुलू हाइपरमार्केट से भी ले सकते हैं। एंट्रेंस में ही इधर स्पाइसेस के स्टोर्स शुरू हो गए थे। इधर सब कुछ मिल जाता है, सारे ड्राई स्पाइसेस, इंडियन के स्पाइसेस, अरबिक स्पाइसेस, ड्राई गुड्स, हनी, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस, आटा, सीरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ खजूर, चाहे तो आप बल्क के हिसाब से लो या किलो के हिसाब से लो, यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो मैं घर के लिए वही देख रही थी। तो राशन ले लेने के बाद अभी इधर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, और ये भी मार्केट देखिए कितना बड़ा है। इधर भी सब किस्म की भाजी, तरकारी, फ्रूट सब मिल जाएगा। ये देखिए कितनी ऊंचाई तक सजा के रखा है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और इतने स्टॉल्स हैं बाजू बाजू में ही कि कस्टमर सोचने पड़ जाए किसके पास जाके खरीदें, किसे छोड़ें। सब लोग सेम आइटम्स ही बेच रहे थे और एक ही रेट्स लगा रहे थे। जैसे कि इंडिया में लोकल स्ट्रीट मार्केट्स में आवाज़ लगाते हैं ना, आइए आइए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो ऐसा चलता है यहाँ पे। लिटरली इंडिया वाली फीलिंग आ गई थी थोड़ी देर के लिए। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे ये लोग एसी में रहते हैं और सब छत होती है ऊपर, और यहाँ पे आराम से हम लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। घर से निकल के बहुत देर हो गया था, तो प्यास भी लगी थी, तो यहाँ पे शुगर केन का जूस ले रहे थे। देन फाइनली एक स्टॉल पे रुक गए थे हम लोग फ्रूट्स लेने के लिए। मैंगोज भी आए हुए थे, अभी तो सीजन शुरू ही हुआ है बस मैंगोज का, और यहाँ पे इंडिया के बादामी आम मिल गए थे हम लोग को, तो हमने एक क्रेट ले लिया। यहाँ पर भी दुकान वाले इंकरेज करते हैं कि ये वाला टेस्ट करो, ये अच्छा है, मीठा है, ये ले लो, फ्रेश आया है। इधर हर कंट्री का सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स मिल जाएगा, इंडिया का, पाकिस्तान का, ईरान का, और यहाँ के लोकल यूएई के फार्म के भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं।
यहाँ पे ये लोग फ्रूट्स टेस्ट करने के लिए भी दे रहे थे ताकि कस्टमर्स फुल्ली सेटिस्फाइड होके जाएं। तो फ्रूट्स का खरीद के भी हो गया था और ये यहाँ पे हिसाब लगा रहे थे पेमेंट के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे वेजिटेबल्स के स्टॉल पर और इधर सब कुछ देख दिखा के पूछ के ले रही थी क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है और मुझे बल्क में नहीं चाहिए था, तो आराम से एक महीना भर चल जाए और बिना ख़राब हुए। यहाँ पे ये लोग क्रेट्स के हिसाब से, किलो के हिसाब से बेचते हैं। 5 केजी का टोमेटो का क्रेट था, 7 केजी का टोमेटो का क्रेट था, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाएंगे तो फेंकना ही पड़ता है। वहाँ से बाहर निकले तो ये देखिए इधर दूसरे और भी बहुत सारे शॉप्स थे परफ्यूम्स के, वॉचेस के, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी थे। इफ़ इन केस कस्टमर थक जाए, भूख लग गई, तो इधर से ही खा के फिर से शॉपिंग पे लग जाए। और मैं यहाँ हस्बैंड से वही पूछ रही थी कि उधर जाना है क्या। तो अभी फ़िश की सेक्शन में एंटर होते हुए ये सेक्शन भी देखिए कितना बड़ा है और कितना रश भी है इधर। इधर इतना कचकच आवाज़ें आ रही थी, मुझे सच में वो दिन याद आ गए जब क्लासरूम में स्टूडेंट श्योर करते हो तो चुप कराने के लिए टीचर बोलती थी ना, इज़ दिस अ फिश मार्केट और व्हाट। सो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, इतने लोग, इतनी आवाज़ें। स्टॉल्स भी देखिए कितने सारे बाजू बाजू में ही, और कितने वैरायटी के फ़िश और सी फूड भी अवेलेबल है। इधर लाइव फिशेस, फ्रेश और ड्राइड फिश प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैब्स भी थे। इस साइड पे एक्वेरियम्स का सेक्शन भी था और यहाँ पे छोटे छोटे कलरफुल फिशेस भी थे। एंड लुक एट दिस गाइस, ये पता नहीं क्या है, क्रैब है या पता नहीं क्या, इतना बड़ा है। और यहाँ पे देखिए और भी दूसरे टाइप के भी क्रैब्स हैं, यहाँ पे एक और टाइप के, पता नहीं मुझे इसको देख के गूज बम्स आने लगे थे। ये इतना बड़ा है कि सिर्फ पूरी टैंकी में ये एक ही है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड का भी रिएक्शन, एक्चुअल में बहुत लोग यहाँ पे आ रहे थे फोटोज और वीडियोस लेने के लिए ये क्रैब के पास। और ये देखिए ऊपर वाले क्रैब्स का नाम अटलांटिक क्रैब है और इसका प्राइस तो देखिए गाइस, पर केजी ये 135 दिरहम्स का है, यानी इंडिया के 2,970 रुपये हो गए। पता नहीं कौन लेके खाता है इसको। और ये देखें कांटों वाला, ये है ऑस्ट्रेलियन रॉक लॉबस्टर और ये भी पर केजी 205 दिरहम्स है। माय गॉड, ये पता नहीं इसको क्लीन कैसे करते हैं और कौन खाते हैं, सी लवर्स ही जाने। और यहाँ पे ये डेडिकेटेड कटिंग एंड क्लीनिंग एरिया भी अवेलेबल है ताकि जो कस्टमर्स को कटिंग और क्लीनिंग करना नहीं आता है वो यहाँ से करा के लेके जा सकते हैं।
एंड आई थिंक ये 1 to 5 dirhams के अंदर चार्ज करते हैं क्लीनिंग के लिए. कितना प्रोफेशनल लग रहा है. तो अभी बारी है मीट के शॉपिंग की. और यहाँ पर भी देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं. इधर भी आपको डिफरेंट कंट्रीज के मीट मिल जाएगा. ईरान के, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पाकिस्तान का भी मीट मिलता है. और हर टाइप अवेलेबल होते हैं. बोन या बोनलेस आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं. और मीट के अलावा इधर आपको भेजा, पाए, बोटी और ये सब भी चीज़ें मिलती हैं. चिकन भी आपको यहीं से मिल जाएगा. तो हमने एक स्टॉल पे रुक के मटन और चिकन लेके घर आ गए थे. और मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी उस दिन. बहुत थक गए थे और मीट भी था तो पहले घर जाके फ्रिज में रखना था. और जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह यूएई में पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा. हम सबको दुआओं में याद रखिएगा. और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.